अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकरामी, हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, आज जो वीडियो हम आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम बिस्तरी के बाद गुसल में कब तक ताखिर कर सकते हैं। नाज़रीन इकरामी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले हम आप लोगों के साथ गुजारिश करना चाहेंगे कि जिन व्यूअर ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। नाज़रीन इकरामी, यहाँ पे हम आपको ये बात कहना चाहेंगे कि हम बिस्तर करने के फ़ौरन बाद मर्द और औरत दोनों को गुसल नहीं करना चाहिए, थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि जब हम मिस्त्री कर रहे होते हैं हमारा जिस्म गर्म हो जाता है, अंजाल को पहुंच जाते हैं तो उनका जिस्म उस वक्त भी गर्म होता है, तो गर्म जिस्म में उस वक्त पानी डालना मुनासिब नहीं है। इसके लिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा सब्र कर लिया जाए, थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए, उसके बाद ही गुसल किया जाए। और तो और नाज़रीन इकरामी, अक्सर ये बात देखी जाती है कि सर्दियों की रातें होती हैं और रात में गुसल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है। नाज़रीन इकरामी, अगर रात के पहर में हम बिस्तरी की जाती है, मर्द और औरत उसी हालत में सो जाते हैं, दोनों पर लाजिम होगा कि वो फजर की नमाज से पहले गुसल कर लें, फजर की अजान होने से पहले गुसल कर लें और फिर नमाज अदा करें। और तो और नाज़रीन इकरामी, जो लोग बगैर गुसल किए सो जाते हैं उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उन दोनों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम बिस्तरी के थोड़े टाइम के बाद, 15-20 मिनट के बाद गुसल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन इकरामी, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप कॉमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक्सिटियों में। अल्लाह हाफिज़।